आप लोग को बतला रहा हूँ, तो वीडियो बहुत ही थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो पर लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए अच्छा लाभदायक होगा। आज के वीडियो में बता रहा हूँ कि कोई भी फाइल, मान लो फोटो क्लिक किए या स्कैन किए हैं, तो उसको पीडीएफ हम कैसे बनाएं, या फिर एक्सेल शीट का कोई फाइल है तो उसको हम पीडीएफ कैसे बनाएं, या पीडीएफ फाइल को फिर एक्सेल शीट में कैसे कन्वर्ट करें, या वर्ड का कोई फाइल है तो उसको पीडीएफ कैसे बनाएं, या वर्ड का फाइल को इमेज में कैसे कन्वर्ट करें, ये आप लोग को हम बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, जिससे आपको बहुत मतलब 10 सेकंड में आप लोग उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना, जो फाइल है अपना कंप्यूटर में उसको रहने दीजिएगा। उसके पहले यहाँ क्या कीजिएगा, आपको सिंपली मान लीजिए आपको बनाना है एक्सेल से कन्वर्ट करना है पीडीएफ पे, तो एक्सेल टू पीडीएफ सिंपली सर्च करना है आपको गूगल पे। ये ऑनलाइन होगा और बिल्कुल फ्री होगा, इसमें एक किसी तरह का कोई ये चार्ज वगैरह भी नहीं लगेगा। और ऑप्शन यहाँ पे आपको smallpdf.com भी क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर ilovepdf.com यहाँ पे क्लिक करना है आपको। जो फॉर्मेट में करना है वो चीज़ आपको लिख देना है। अब यहाँ पे लिख रहा है सेलेक्ट फाइल एक्सेल फाइल, तो एक्सेल फाइल जो भी होगा जिसको हमको पीडीएफ बनाना है उसको हम यहाँ से खोज लेंगे। जो भी फाइल आपका जहाँ पे होगा आपका लोकेशन देख लेना है। उसके बाद देखिए मेरा ये सब एक्सेल शीट ही है, तो मान लीजिए हम ये फर्स्ट वाला डैशबोर्ड रिपोर्ट इसको क्लिक किए, एक्सेल शीट का फाइल है। एक्सटेंशन आपको लास्ट में दिख ही रहा होगा कि एक्सेल शीट का फाइल है, सो थोड़ा कंप्यूटर मेरा स्लो है इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये हो गया, तो ये जो भी एक्सेल शीट का फाइल है मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके ओपन किया, ओपन ऑटोमेटिक अपने कन्वर्टिंग लिखेगा। देखिए कन्वर्ट पीडीएफ ये राइट में आया, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देगा, ये मेरा पीडीएफ बन गया। अब इसको हम डाउनलोड करें, ये हमारा देखिए यहाँ पे पीडीएफ फाइल बन गया, यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे हमारा दिखा रहा है। तो इस तरह से करके कोई भी एक्सेल शीट का जो फाइल रहेगा, कितनों भी पेज का रहेगा, ऑटोमेटिक बस आपको जो भी फाइल लिखना है एक्सेल टू पीडीएफ करना है वो गूगल में सर्च करना है। आपको दो लिंक दिखेगा, देखिए ये पूरा मेरा एक्सेल शीट का फाइल टोटल 52 पेज का ये बन गया मेरा। इस तरह के ये पीडीएफ फाइल आराम से मैं भी किसी को शेयर कर सकते हैं आराम से, इस तरह करके आप आराम से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए जेपीजी टू पीडीएफ, वर्ड टू पीडीएफ, पावर पॉइंट टू पीडीएफ, एक्सेल टू पीडीएफ, एचटीएमएल टू पीडीएफ, अनलॉक पीडीएफ, प्रोटेक्ट पीडीएफ, ये सारा सब बिल्कुल फ्री है। इसमें मर्ज पीडीएफ मान लीजिए 10-12 पेज का इमेज है, उसको हमें एक पीडीएफ फाइल में करना है तो आपको यहाँ से हो जाएगा। ये सारा कुछ हम लोग को यहाँ पे एक जो साइड है उससे हम लोग को मिल जाएगा। साइड का देखिए ilovepdf.com है, इससे आप सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए दूसरा करना है, जिसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, डिलीट ना करना है, हमारा जो फाइल वो डिलीट हो गया। उसी प्रकार से हम बहुत सारा यहाँ पे देखिए कन्वर्ट पीडीएफ लिखा हुआ है, ऑल पीडीएफ टूल्स आया हुआ है, यहाँ से कंप्रेस पीडीएफ आया है, स्प्लिट पीडीएफ आया, मर्ज पीडीएफ आया, इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको वर्ड से पीडीएफ करना है तो सिंपली आपको ये ऑप्शन से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको काट देना है और यहाँ पे क्या करना है आपको लिखना है वर्ड पीडीएफ, वैसा ही सेम वर्ड टू पीडीएफ। उसके बाद सर्च करना है, सर्च करने के बाद आई लव पीडीएफ या स्मॉल पीडीएफ कोई भी एक, दोनों में कोई लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किए, इसके लिए कोई ऐप का जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आपका है, आपका डेटा यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। अब वर्ड फाइल जो है यहाँ से आपको चूज करना है, सेम प्रोसेस जैसे मैंने बताया वैसा ही करना है। उसके बाद आपका पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप फिर इसको देखिए, एक मेरा यहाँ पीडीएफ फाइल है, इसको क्लिक किए, ये वर्ड फाइल है, इस पर आए, अब यहाँ पे कन्वर्टिंग का ऑप्शन आएगा, कन्वर्ट टू पीडीएफ क्लिक किए। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, अब इसको मैं डाउनलोड करेंगे, देखिए पीडीएफ फाइल बन गया। इसके बाद पीडीएफ टू एक्सेल करना है, ये भी सेम प्रोसेस है, उल्टा ही लिख देना है। उसके बाद आप आराम से कोई भी फाइल को पीडीएफ फाइल को एक्सेल कर सकते हैं, या कोई इमेज है उसको भी एक्सेल में सीट मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आप बिल्कुल यहाँ से फ्री कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब।